वेलकम टू क्रिप पॉइंट अवेयरनेस चैनल। मेरा नाम सैयद है और अगर आप मुझे नहीं जानते तो प्लीज मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल चेक कीजिए। आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि टेलस जो है वो रैम को कैसे मैनेज करेगा। अगर आप ईओएस इकोसिस्टम को जानते हैं, अगर आप ईओएस के यूजर हैं, तो आपको पता ही होगा कि ईओएस में रैम स्पेकुलेशन एक बहुत बड़ा इशू है, ये एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है। ये देखिए ईओएस में रैम स्पेकुलेशन से रिलेटेड ग्राफ, देखिए ये कितनी ज्यादा रैम स्पेकुलेशन हुई है। ये क्यों हुई है रैम स्पेकुलेशन? ये इसलिए रैम स्पेकुलेशन हुई है कि जब नेटवर्क लॉन्च हुआ था, जब ईओएस मेन नेट लॉन्च हुआ था, तो जो बड़ी बड़ी वेल्स थी और जो बड़े बड़े ब्लॉक प्रोड्यूसर थे, वो ब्लॉक प्रोड्यूसर्स जिनको आप लोगों ने वोट दिया है, उन्होंने अपनी रैम खुद ही खरीद ली और बाद में आप लोगों को उन्होंने उस हाई प्राइस पे बेची और ये एक बहुत बड़ा इशू बन गया। अभी भी ईओएस इकोसिस्टम में रैम की ये जो प्राइस है ये भी हाई है, ये भी इतनी हाई नहीं होनी चाहिए। टेलोस जो है वो रैम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करेगा। रैम को मैनेज करने के दो बहुत बेहतरीन तरीके हैं। पहला टूल ये है कि जब टेलोस मेन नेट लॉन्च होगा तो वो लो जीबी कैपेसिटी के साथ लॉन्च होगा, 4 to 8 GB कैपेसिटी के साथ। और जो दूसरा तरीका ये है कि टेलस यूज करेगा रैम पब्लिश्ड गाइडेंस प्राइसिंग को, रैम पीजीपी को। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले तरीके की। आप ये सोच रहे होंगे कि जो ईओएस का मेन नेट है वो इस वक्त 64 GB को सपोर्ट करता है, तो टेलोस अगर 4 GB को सपोर्ट करेगा तो वो किस तरह रैम प्राइस को मैनेज करेगा। हकीकत ये है कि ईओएस में अगर आज 1 GB रैम कैपेसिटी भी हो तो वो भी काफी है। एक्चुअल यूज के लिए 1 GB भी रैम कैपेसिटी कैसी है? ईओएस में हो ये रहा है कि जब उन्होंने 64 GB कैपेसिटी के साथ नेटवर्क को लॉन्च किया तो जो ब्लॉक प्रोड्यूसर्स थे, वो ब्लॉक प्रोड्यूसर्स जिनको आप लोगों ने वोट दिया था, उनको पता था कि जो रैम है वो एक स्केयर रिसोर्स है, वो एक लिमिटेड रिसोर्स है। और बाद में आप लोगों को और डेवलपर्स को जब वो डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस डेवलप करेंगे उसको इस रिसोर्स की जरूरत होगी, तो उन्होंने पहले ही रैम को खरीद लिया। और 64 GB से मजीद इंक्रीज करना इतना आसान नहीं है, 64 से 128 GB पे जाना बहुत मुश्किल है। और स्पेकुलेटर्स को जब पता होता है इन चीजों का कि 64 GB है और इसकी मुस्तकबल में जरूरत पड़ेगी और 64 से इंक्रीज करना इतना आसान नहीं होगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने रैम को खरीद लिया और उस वजह से ये प्राइस फ्लक्चुएट कर गई। लेकिन टेलस जब अपने मेन नेट को लॉन्च करेगा 4 GB कैपेसिटी के साथ, पहली बात यह है कि 1 GB भी बहुत होगी, तो 4 GB भी बहुत होगी। और जो स्पेकुलेटर्स हैं उनको पता होगा कि अगर हमने ये सारी 4 GB खरीद ली या बाय कर ली तो क्या होगा, आसानी के साथ टेलस फाउंडेशन डिसाइड कर देगी कि इसको 4 to 8 कर दें, 8 to 12 कर दें, तो स्पेकुलेटर्स को हमेशा डर रहेगा। और एक्चुअल कैपेसिटी जो आप लोगों को चाहिए, जो एप्लीकेशन डेवलपर्स को चाहिए, वो तो बहुत कम है। तो ये चीजें स्पेकुलेटर्स को डिस्करेज करेंगी रैम को खरीदने के लिए। और रैम के जो रियल यूजर्स हैं, जिनको वाकई रैम चाहिए होगी, जो एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं, जो आप लोग हैं, जब आप लोगों ने अकाउंट्स बनाने होते हैं आपको रैम चाहिए होती है, तो जेन्युइन लोग रैम को खरीदेंगे, जिसकी वजह से प्राइसेस जो है उनका फ्लक्चुएट करने का चांस कम होगा। ईओएस की ये बहुत बड़ी गलती थी कि उन्होंने 64 GB के साथ अपने मेन नेट को लॉन्च किया, जबकि इन रियलिटी में 1 GB भी बहुत था, तो ये उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी और टेलोस ऐसी मिस्टेक नहीं करेगा। हमें नहीं पता कि ईओएस ने इस तरह की इतनी बड़ी मिस्टेक क्यों की। तो अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की, इसका नाम है रैम पब्लिश्ड गाइडेंस प्राइसिंग। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जो टेलस फाउंडेशन है वो दुनिया के जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं उनके साथ मिलकर बैठेगी, उनसे डिस्कस करेगी और उनके साथ बैठ के ये जज करेगी कि रैम की फेयर प्राइस क्या होनी चाहिए मार्केट में,
जो के आप लोग भी अफोर्ड कर सके, जो के छोटे छोटे एप्लीकेशन डेवलपर्स भी अफोर्ड कर सके और जिसकी वजह से नेटवर्क भी रन कर सके, और उस प्राइसिंग को वो पब्लिश करेगी, ओपन करेगी कि ये हमारी टेलोस की रैम पीजीपी है, रैम पब्लिश गाइडेंस प्राइस है। जब रैम की प्राइस इस पीजीपी से नीचे होगी तो टेलोस फाउंडेशन उसको खरीद लेगी, और जब रैम प्राइस उससे ऊपर हो जाएगी तो टेलोस फाउंडेशन उसको बेचेगी। तो इसकी वजह से जो रैम की प्राइस है वो फ्लक्चुएट नहीं करेगी, बहुत थोड़ी फ्लक्चुएट करेगी। इसके अलावा टेलोस फाउंडेशन ये भी गारंटी देगी कि जो रियल डेवलपर्स हैं, जो कोई इस किस्म की एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हैं जिससे नेटवर्क को फायदा होगा, या जो ह्यूमैनिटी के लिए होगी, या जो सोशल सर्विसेज के लिए होगी, उन लोगों को वो जो रैम है वो पीजीपी प्राइस पे भी सेल करेगी। तो टेलोस फाउंडेशन की तरफ से ये भी ऑफर होगी कि अगर आपको रियल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए रैम चाहिए तो आपको हम रैम पीजीपी की जो प्राइस है, जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के साथ मिलकर डिसाइड की गई थी, उस प्राइस के साथ आप उसको खरीद सकेंगे। तो टेलोस फाउंडेशन बेसिकली ये गारंटी देगी कि अगर आप रियल डिवेलपर्स हैं और आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन डिवेल्प करनी है जिससे टेलोस इकोसिस्टम को फायदा होगा, जिससे ह्यूमैनिटी को फायदा होगा, तो आपको वो रैम ऑफर करेगी रैम पीजीपी प्राइस पे। इससे क्या होगा, इससे जो रैम स्पेकुलेटर्स है उसको डिस्करेज होगी। रैम स्पेकुलेटर्स जो है, जैसे कि यूएस में जो रैम स्पेकुलेटर्स है, जो ब्लॉक प्रोड्यूसर्स है, उन्होंने रैम इसलिए खरीदी थी कि जो रैम डिवेलपर्स है वो उनसे बाई बैक करेंगे। लेकिन टेलोस में जो डिवेलपर्स हैं, जो आप लोग हैं, स्पेशली जो डिवेलपर्स हैं, उनको किसी और से बाय करने की जरूरत नहीं होगी, वो टेलोस फाउंडेशन से डायरेक्टली जो पब्लिश्ड प्राइस है उस पर रैम को खरीद सकेंगे। तो ये जो दो टूल्स हैं, ये इतने पावरफुल टूल हैं कि इनकी वजह से जो रैम की स्पेकुलेशन है वो अंडर कंट्रोल होगी। सो यूएस में रैम की स्पेकुलेशन इस तरह हो रही है और टेलोस में थोड़ी थोड़ी होगी इस तरह, कुछ ना कुछ तो होगी लेकिन ना होने के बराबर होगी। मैं इस वक्त ये भी आपको बताना चाहता हूं कि चंद हफ्ते पहले अगर आपने EOS इकोसिस्टम में अपना अगर अकाउंट ओपन करना था तो उसकी कॉस्ट तकरीबन $20 थी रैम स्पेकुलेशन की वजह से। टेलोस में ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं है, और रैम मैनेजमेंट में टेलोस बहुत एडवांस होगा EOS के मुकाबले में। EOS में बेनकोर मॉडल यूज हो रहा है रैम की प्राइसिस के लिए, और बेनकोर मॉडल है वो स्पेकुलेशन को एनकरेज करता है। ये भी EOS की एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी कि उन्होंने बेनकोर मॉडल को यूज किया। टेलोस में ये बेनकोर मॉडल नहीं यूज होगा, टेलोस में ये दो तरीके यूज होंगे जो कि मैंने आपको बताए हैं। इन दो तरीकों की मदद से रैम की प्राइसिस अंडर कंट्रोल होगी, और करंट फाइनेंशियल मॉडल्स में और करंट फोन्स मार्केट में ये तरीके इस्तेमाल होते हैं प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो टूल्स हैं जो टेलोस यूज करेगा वो टेस्टेड है, प्रूवन है, और एक्सपेक्टेड है कि वो टेलोस में रैम प्राइसेस को कंट्रोल करेंगे और आप लोग रैम को अफोर्ड कर सकेंगे। अगर आप टेलोस के बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो प्लीज टेलोस की वेबसाइट पे जाके इसको स्टडी कीजिए। आप टेलोस के वाइट पेपर को भी स्टडी कर सकते हैं, आप मुझसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप स्वीडन कोरनेट जो कि EOS और टेलोस दोनों का ब्लॉक प्रोड्यूसर है, आप उनसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो प्लीज वेलकम टू टेलोस फाउंडेशन, वेलकम टू टेलोस इकोसिस्टम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।